चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आज की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी टेस्ट की क्लास होती है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें पहले ही समझा चुके होते हैं, तो हम इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते। बहुत कम टाइम में सॉल्यूशन दे देंगे आपको विद इन 5 मिनट्स। जैसा आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है वी वर। मैं कुछ यहाँ पर आपसे सवाल करूँगा, आप बताइए। देखो, आप यहाँ पर एडेप्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑफ देयर हेल्प और एडेप्ट को चाहिए इन या एट, ज़रूरत नहीं है, आप हटा दो साहब। अब ये भी आ सकता है, ये भी और ये भी। इनमें से कोई सा भी रखूं अगर मैं यहाँ पे, तो थर्ड फॉर्म के रूप में बच्चों इतना जो क्लोज है हमारा, आप बताओ जब बी के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो एक्टिव बनेगा या पैसिव? आंसर आपका पैसिव है तो ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब जब पैसिव होता है सेंटेंस, तो बताओ ये व्यक्ति जो होता है सब्जेक्ट बना हुआ काम करता है या इसके ऊपर काम होता है? पैसिव में इसके ऊपर काम होता है। अब मैं दो मीनिंग दे रहा हूँ, बताओ कौन सा मीनिंग बढ़िया है, हमने विश्वास दिलाया या हमें विश्वास दिलाया गया? हमें विश्वास दिलाया गया, ये मीनिंग बनेगा। और जिसे विश्वास दिलाया जाए वो एक्टिव वॉइस में तो यहाँ मिलेगा आपको, पैसिव वॉइस में यहाँ मिलेगा। और अगर वो जिसे विश्वास दिलाया जाए है मौजूद, तो आंसर दूसरा आता, पहले का दूसरा हो गया। वी वर एश्योर्ड ऑफ देयर हेल्प, हमें उनकी मदद का आश्वासन दिया गया था लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिनाउंस होता है त्यागना, सिनोनियम पूछा है, आंसर है दूसरा, क्योंकि एडज्योर तो रिक्वेस्ट होती है, खत्म हो गया। आंसर देखेंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है चीज़ों को टालमटोल की जो एक अभी तरीका होता है उसे बोलते हैं एबियंस। आंसर तीसरे का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, ही रिफ्यूज टू ब्लैंक टू द लोकल कस्टम्स, तो टू है तो अबाइड हटाओ क्योंकि इसे बाई चाहिए, कंप्लाई को चाहिए विद, इसे भी हटा दो। अब ये दोनों बच्चे जो पालन करना है कस्टम्स, रीति रिवाजों का, नियमों का, रेगुलेशंस का, तो उसके लिए आता चौथा आंसर। उसने मना कर दिया कि वो लोकल कस्टम्स का पालन नहीं करेगा। द रिपब्लिक ऑफ पनामा ब्लैंक फ्रॉम कोलंबिया इन 1903, जब एक देश दूसरे देश से टूटकर अलग हो जाए तो ऐसी स्थिति में आंसर पहला आता, बाकी कोई मीनिंग नहीं आएगा। ये होता है डिफेस, रिमूव करना, इफेस होता है चीज़ों को हटा देना दिमाग से, यादों से, सॉरी इफेस होता है बच्चों रिमूव करना, सॉरी, और डिफेस होता है करप्ट कर देना, बिगाड़ देना चीज़ों को। और सीड का मतलब होता है सौंप देना कि तुम्हारी चीज़ है ये, यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम, और ये है भी। द रिपब्लिक ऑफ पनामा जो है वो कोलंबिया से अलग हो गई थी 1903 में, आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर छः, ओबेडियंस, इसका मतलब हो गया कहना मानना, पालन करना, तो इसका सिनोनियम जो बनेगा वो बनेगा कॉम्प्लियंस, एंटोनियम पूछते तो बनता हमारा डेफियंस। आंसर बच्चों छः का तीसरा हो जाएगा। फिर मैं बात करूंगा सात की, यील्ड, तो यील्ड का मतलब होता है समर्पण करना, आंसर है चौथा केव इन, बाकी के मीनिंग आप जानते होंगे, देख लेना पुरानी वीडियो में है। मैं बात करूं ही इज नॉट कट आउट के बाद में या तो 4 आ सकता है या 2 आ सकता है, इन दोनों को हटा दो। अब देखते हैं वहाँ आएगा क्या, तो ये बी एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है तो इसे संभाल पाएगा 2, आंसर हो गया 2, ये गलत हो गया हमारा। और मान लो अगर यहाँ पे जो है हमारा ये 2 नहीं होता, मान लो ये 2 नहीं होता तो फिर आता 4, ही इज नॉट कट आउट फॉर एन इंजीनियर, फिलहाल आंसर है इसका ही इज नॉट कट आउट टू बी एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनने के लायक नहीं है। बढ़िया सवाल है बच्चों। कैन के बाद में यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इनमें जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ये है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर भरोसा होता है बहुत ज़्यादा, सारी बातें उसे बताते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंट है लड़का। ये कॉन्फिडेंस हमारा जो होता है अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर हमें विश्वास होता है, वो कॉन्फिडेंट ये एक व्यक्ति होता है किसी काम को लेकर के, आंसर पहला है क्योंकि ये वर्ब होती है और इसके साथ बच्चों प्रीपोजिशन इन आती है। कैन आई कन्फाइड इन यू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, तुम्हें अपनी बातें बता सकता हूँ गुप्त? नो का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आंसर जो गलत है हमारा वो टेररिस्ट है, स्पेलिंग होगी इसकी TERRORIST, ये भी सही है, एक आतंकवादी ज़्यादा होंगे तो ये भी सही है, गलती यहाँ थी, आंसर 10 का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो ए बियर गार्डन, ये भी करवाया था मैंने 1989 में, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत शोरगुल या कन्फ्यूजन हो, भालू है ना वहाँ पे, भालू बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे वहाँ पे। इक्विवोकल होता तो एडजेक्टिव होता, ये नाउन है, तो इक्विवोकेशन का जो सिनोनियम बनेगा वो दूसरा बनेगा। ये भी आप सीखते चलो कि इक्विवोकल एडजेक्टिव है, इक्विवोकेशन नाउन हो गया तो एम्बिग्यूअस एडजेक्टिव से एम्बिग्यूटी में चला गया नाउन में, आंसर 12 का दूसरा है। एंटोनियम पूछते तो होता कैंडिडनेस क्योंकि ये स्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँ तो फैटिग्यू थकान होती है, हमसे पूछा है एंटोनियम, आंसर है पहला। सिनोनियम पूछते तो होता वेयरीनेस।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, स्टार्विंग होता भूखो मरना, और भूखो मरने का सिनोनियम ये है, एंटोनियम पूछते तो आता वेलफेयर्ड, इसका मतलब होता पेट भर के खाना खाना, खाना दे दिया गया हो। फेमिश्ड होता भूखा मरना। कन्फ्यूज होता भ्रमित, जो आएगा आंसर वो आएगा फ्लमोक्स्ड, फ्लमोक्स्ड का मतलब होता परप्लेक्स्ड, पजल्ड या कन्फ्यूज्ड। आंसर 15 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 16, ही कुड बेयरली अफोर्ड द रेलवे। अब रेलवे का क्या है, रेलवे का फेयर किराया होता, ये अच्छा होता और मेला होता, ये दूर होता, ये आग होती है, किराया लगा यहाँ पे। वो रेलवे का किराया भर ही नहीं पाता था, मुश्किल से भर पाता था। ही फाउंड ए डेड बॉडी, इस पे ध्यान दो, डेड बॉडी है तो इन दोनों को हटा दो, क्योंकि डेड बॉडी डूबती नहीं है, एक बात, और डेड बॉडी तैर रही है तो अपने प्रयास से नहीं तैर रही होगी। आंसर है तीसरा, उसने एक डेड बॉडी देखी नदी में तैरती हुई, आंसर तीसरा बनेगा इसका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, वी विल गिव योर प्रपोजल्स सीरियस। आज आप यहाँ कुछ अलग सा देखने वाले हो, ये एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन चाहिए। आंसर तीसरा है, सब बेकार है इसके सामने, हम तुम्हारे प्रस्तावों पर गंभीर विचार करेंगे, ये विचार है नाउन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, आवर कार बिगेन इट्स ग्रेजुअल, हमारी कार ने धीरे धीरे, अब बच्चों ग्रेजुअल एडजेक्टिव है तो यहाँ नाउन चाहिए, तो सबसे पहले तो ये हटाओ क्योंकि ये वर्ब होती है, इसे हटाओ, ये लहजा होता है, ये सहमति देना होता है। आंसर है पहला, तो हमारी कार ने धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि हमारा जो है नाउन आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइज विल नॉट, विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये नाउन होता है इसे हटाओ, ये भी नाउन होता है इसे हटाओ, और बच्चों मजे की बात, ये भी नाउन होता है इसे हटाओ। आंसर है दूसरा, तो जो कीमत है वो 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगी, ये इसका मतलब है। आंसर दूसरा है, वर्ब चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लिमजी होता कमजोर, सिनोनियम पूछा तो आंसर दूसरा, एंटोनियम पूछते तो पहला होता क्योंकि मजबूत होता, तो फ्लिमजी कमजोर होता, एकदम टूट जाएगा, 21 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22, शी ब्लैंक द डॉक्टर, अब मुझे बताओ क्या उसने डॉक्टर को कन्फर्म किया, कन्फर्म पुष्टि करी डॉक्टर को, नहीं। क्या उसने डॉक्टर को उत्सर्जित किया, क्या उसने डॉक्टर को गुजर गया, समय गुजर गया, आंसर है चौथा, उसने डॉक्टर को बुलाया, शी सेंट फॉर द डॉक्टर, शी सेंट फॉर द एम्बुलेंस, शी सेंट फॉर द पुलिस, किसी को बुलाना। रेंट्स हैव गॉन थ्रू द रूफ, गो थ्रू द रूफ का मतलब होता है चीजों का, कीमतों का बहुत ज्यादा हो जाना। आंसर पहला है, रीच्ड एक्सट्रीमली हाई, बहुत ऊंची कीमतें हो जाना, ये उल्टा है, तो कम होना है दोनों, ये चुपके से प्रवेश करना धोखा देने के लिए, आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 24, एनीथिंग विच डज नॉट, ध्यान दें, विच डज नॉट कैच फायर इजिली, और अगर नॉट नहीं होता यहाँ पे मान लो ये, और यहाँ पे होता कैचेस फायर, ठीक है ना, तो आता इनफ्लेमेबल। फिलहाल जो आंसर है उसे देखो आप, और आंसर है दूसरा, एज्वलनशील, एज्वलनशील ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूंगा, लास्ट है ये, फेकंडिटी, ये उपजाऊपन होती है, उर्वरता, पूछा है सिनोनियम तो आंसर बनेगा इसका, सॉरी आंसर बनेगा बच्चों फर्टिलिटी। एंटोनियम पूछते तो बनता अबोर्टिवनेस, एंटोनियम पूछते तो बनता बेरननेस, ये अनुपजाऊपन होता है। 25 का आंसर तीसरा है। एक कल क्वेश्चन आया था हमारे पास फेटिड, मैं कल को भी समझाऊंगा इसे, और मैंने लिखवाया था दुर्गंध, इसका जो सिनोनियम था हमारा वहाँ पे वो बन गया था बच्चों स्टिंकिंग, कुछ ऐसी बना था, ठीक है ना, स्टिंकिंग, बहुत ज़्यादा वैसे जिसमें गंध से आ रही हो। और इसके नीचे मैंने एक इसका एंटोनियम लिखा था फ्लैग्रेंट, बच्चों वो फ्लैग्रेंट गलत हो गया, यहाँ पे एल नहीं था, तो वो सही कर लेना, फ्रेग्रेंट होता है खुशबूदार, ठीक है, बाकी मैं कल भी करवाऊंगा इसे, ठीक है, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल हम अल्फाबेट जी लेकर के आएंगे 91 क्लास में, कल ही मिलेंगे आपसे, थैंक यू।